नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल टिप्स एंड सॉल्यूशन में। दोस्तों, अगर आपके प्रिंटर में कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा है तो इसका प्रॉब्लम क्या है या और इसका सोल्यूशन क्या है, इसी बारे में बताऊंगा। तो शुरू से अगर तक इस वीडियो को आप देख देखिए। तो जैसे भी आप कुछ प्रिंट करते हैं, जैसे मैंने डेमो प्रिंट निकाला हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाग धब्बे पूरे दिख रहे हैं और साथ में ये जो प्रिंटर है उसका शेडो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्या है? तो इसका प्रॉब्लम दो हो सकता है, तो आपका ड्रम और या तो फिर आपका जो अंदर में पीसे रोलर लगा रहता है वो। तो हम सबसे पहले देखेंगे पीसीआई रोलर चेंज करके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पीसीआई रोलर का ही एक प्रॉब्लम है। एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा जब भी प्रिंट होता है तो पीसीआई रोलर का ही प्रॉब्लम होता है। तो हम ड्रम बाद में चेंज करके देखेंगे, पहले हम पीसीआई रोलर चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेस्ट प्रिंट निकाल के देखेंगे, उसके बाद तो फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे डेमो प्रिंट दे रहा हूँ। देखिए वही सेम प्रॉब्लम आ रही है इसमें। तो चलिए काम चालू करते हैं। आपको क्या करना है, कॉटरेज को निकालना है और यहाँ पे दो स्क्रू लगे रहते हैं, ये एक यहाँ पे, यहाँ पे। ये पहले वाले मैंने निकाल लिया है, तो ये दूसरे वाले मैं निकाल रहा हूँ। ये दोनों स्क्रू आप निकाल लेंगे, उसके बाद इसको आप जैसे निकालेंगे आराम से खुल जाएगा। उसके बाद आपको ड्रम निकालना है ऊपर का, आप इधर दोनों तरफ को हल्का से ऐसे दबाएंगे ना तो ये खुल जाएगा। उसके बाद जो है ड्रम को आप इस तरह से निकाल लीजिए, इस तरह से। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पीसीआई रोलर दिख रहा है इसको हमें रिप्लेस करना है, मतलब चेंज करना है हमें। तो हम इसको निकालेंगे, तो निकालने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगा। और जैसे आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो आप कोई भी जुगाड़ करके उसे आप सेफ्टी से निकाल लीजिएगा, ताकि कॉटरेज खराब ना हो। तो मैं इसको निकाल ले रहा हूँ, निकल गया पीसीआई रोलर। अब जो है इसमें हम नया वाली रोलर लगाएंगे। तो मेरे पास रोलर है नया वाला, हो सके तो आप ब्लोअर से साफ कर लीजिएगा। ये लग गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली जो ड्रम है उसको हम फिक्स लगा देंगे। उसके बाद हम चेक करके देखेंगे कि वही प्रॉब्लम आ रहा है या प्रॉब्लम ठीक हो गया। स्क्रू हम बाद में लगाएंगे, पहले देख लेते हैं ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अभी टेस्ट प्रिंट दे रहा हूँ उसमें। तो देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल क्लियर आ गया है। इसका जो प्रॉब्लम था वही यही कारण था। तो इस तरह से आप जो 12 नंबर का कॉटरेज है या तो फिर दूसरे भी कॉटरेज है उसमें अगर ऐसा प्रिंट शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप ये वाली रोलर पीसीआई रोलर जो है उसको आप चेंज करके देख सकते हैं। 100% इसको चेंज करेंगे तो श्योर है कि वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर ड्रम का प्रॉब्लम रहता है तो ये जो शेडो आ रहा है वो तो आता ही, मतलब ये धब्बा टाइप का नहीं आता। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर आपको उसका कुछ सलाह या सुझाव उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ और नए वीडियो के साथ, कुछ और जानकारी के साथ। तब तक विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।